अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अभी मैं ये ऊपर आया था, कपड़े धो के सुखाए थे तो कपड़े उतारने के लिए। इस वक्त ऊपर छत पे बहुत ही प्यारा मौसम है, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। आज रात तकरीबन 11 बजे बारिश हुई थी, बहुत ही प्यारी मज़ेदार मौसम, बहुत ठंडा, इतना ठंडा हो गया था यहाँ सियालकोट में कि रात के वक्त पंखा बंद करना पड़ा और ऊपर फिर मुझे खेस लेना पड़ा, क्योंकि रात को ज़्यादातर मैं खेस नहीं लेता गर्मियों की रातों को, तो मुझे खेस लेना पड़ा क्योंकि मेरी टांगें ज़रा सुन सी महसूस हो रही थी, मुझे ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही। इसका दिन इतना प्यारा मौसम, पीछे आपको वो सूरज ग्रूब होता दिख रहा है, मैं शायद दिखा पाऊँ। बहुत ही प्यारा इस वक्त मौसम है, हल्की हल्की सी धूप और सुहाना मौसम, ठंडी हवा चल रही है, इतनी तेज़ नहीं चल रही लेकिन हल्की हल्की सी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। अभी मेरे कंधे पे आपको ये पैंट नज़र आ रही है, मैं ऊपर कपड़े उतारने के लिए आया था अपने, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मौसम शेयर कर दें। मैं लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकता कि किस कदर सुहाना मौसम है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर परिंदों की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। है ये जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, ज़्यादा घर नहीं है, और इसी वजह से मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि मैं पहले वहाँ एयरपोर्ट के पास था, तो वहाँ से फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना एयरपोर्ट के पास वैसे बहुत शोर था, और यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी भी है, सुबह बंदा सैर करने के लिए निकल सकता है, और परिंदे, और सबसे प्यारी बात मेरी जहनी यहाँ पे, इस वजह से। चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरा से, तब तक के लिए पीछे आप सनसेट देख रहे हैं, अभी मैं बैक कैमरा से मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स गो अराउंड, ये देखें किस कदर सुहाना मौसम है। कुछ घर अभी यहाँ पर बन रहे हैं और कुछ बनने वाले हैं, मैं जिस घर में आया हूँ वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखें कितनी हरियाली है, हरियाली, वो पीछे खेत है, और ये जो 3-4 घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरी उंगली का इशारा कैसे, ये इनके पीछे भी सारे खेत हैं, तो ठंडी हवा यहाँ पर अक्सर ही चलती रहती है। और ये आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, मैं ज़्यादा ऊपर कैमरा कर नहीं पा रहा, खूबसूरत है ना। इस वक्त लोग पतंग उड़ा रहे हैं, शायद देख पाएँ आप, वो देखें एक पतंग नज़र आ रही है छोटी सी, एक ये रही, बहुत ही प्यारा इस वक्त ना, ठंडी ठंडा मौसम है, सूरज की धूप मध्यम सी, धूप है नहीं है लेकिन जो भी है वो बहुत ही प्यारी महसूस हो रही है। तो ये है व्यू यहाँ के, फ्रंट व्यू भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपने ये घर की बैक साइड पे हूँ इस वक्त, तो ये बैक साइड का व्यू है, वो देखें लोग बाहर आ रहे हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लोग इस वक्त बाहर आए हुए हैं, कुछ छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ा रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आगे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैं जूम तो करता हूँ लेकिन मेरा कैमरे का रिजल्ट फोकस बहुत ही ख़राब हो जाएगा, और ये शेकीनेस भी आ रही है नज़र आ रहा है आपको, ये सारे लोग बाहर बैठे हैं इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और मैं छतों पे भी आपको चढ़े हुए लोग दिखा सकता हूँ लेकिन दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि वो कहेंगे ये लॉ के ख़िलाफ़ चल जाएगा ना, फिर कहाँ, बग़ैर इजाज़त किसी की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो बस आप यहीं से इंजॉय कर लें जो जो आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल बताना था कि बहुत ही प्यारा मौसम है, आज है 25 ऑफ जून, एंड सुबह है 26, और सुबह मैंने ड्यूटी पर भी जाना है एयरपोर्ट। कमाल मौसम है, मैं नहीं बयान कर पा रहा आपको। तो सबसे मज़े की बात, इस घर के आगे और पीछे दोनों प्लॉट खाली हैं, और वहाँ पे सब्ज़ा उगा हुआ है, और उसके दरमियान से हवाएं निकलती हुई आती जाती हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये घर बना हुआ है, इसके आगे अब एक ये घर है, तो यहाँ से और यहाँ से हवा का क्रॉस नहीं हो पाता, जबकि ये जो ये प्लॉट है, ये वाला जहाँ पर ग्रीनरी है, इसके बिल्कुल हमारे घर के सामने जिसकी छत पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर भी ग्रीनरी है, तो ये बहुत प्यारा सीन हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से ठंडक मिलती है,
और बहुत ही ठंडा टाइम स्पेंड हो जाता है। दोपहर के टाइम भी इतनी गर्मी नहीं लगती, और रात के वक्त आज रात तो मुझे काफ़ी ठंड फील हुई यहाँ पर। ये पतंग मेरे हाल से शायद कट गई है, ये वाली जैसे लहलहाती हुई जा रही है ना, ऐसे लगता है कि कट गई है। और नीचे मुझे लगता है कट गई है, क्योंकि नीचे बच्चे भी जो है ना वो भाग दौड़ कर रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। वो हाँ कटी पतंग है और ये नीचे आ गई, बच्चे पकड़ने, ये पकड़ ली। आप सब में भी जो पतंग उड़ाता है और पतंग उड़ाने का शौक़ रखता है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताए, और अपनी फीलिंग्स पतंग उड़ाते हुए शेयर ज़रूर करे को नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, और नीचे चल के कपड़े प्रेस करते हैं सुबह जाने के लिए, और बाकी बातें इसी क्लिप में जब सुबह निकलेंगे, या फिर मे भी पॉसिबल कि मैं इतना ही अपलोड कर दूँ। चलो हाँ, आपको फ्रंट व्यू दिखाना था, मैं ज़रा फ्रंट साइड पे जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त मैं अपनी जो घर लिया है उसकी फ्रंट साइड पर हूँ, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये दो प्लॉट एकदम, बल्कि दो नहीं, एंड रोड तक एकदम खाली हैं। ये बहुत प्यारा जगह है, ये आप देख रहे हैं पौधे, ये सामने ये आई थिंक भंग के पौधे हैं, ये भी और ये भी उग जाते हैं, उदी क्या कर सकते हैं। वैसे कहते हैं लोग कि ये भंग के पौधे, यहाँ भी आप देखे होंगे वो बकरे चराने के लिए आए हुए हैं। बहुत प्यारा इस वक्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये बिल्कुल सामने मस्जिद भी है। सुबह सुबह इसके यहाँ से आवाज़ आती है, जैसे वहाँ एयरपोर्ट के पास था ना, बिल्कुल साथ ही मस्जिद थी जहाँ मैं रह रहा था, वैसे इधर भी है। तो देखें आप फ्रंट साइड भी, मौसम यार आज बहुत मज़े का, बहुत प्यारा मौसम है, बहुरामी मौसम है आज, बहुरामी, बहुरामी सुना हुआ ना, खुजली फैमिली, बहुरामी राजा जी, बहुरामी। बस बहुरामी मौसम हुआ आज, और यहाँ पर पतंग ज़्यादा उड़ रही हैं बनिस्बत पिछली साइड के, शायद नज़र ना आ रही हों लेकिन बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। वो कब्रिस्तान में भी बच्चे उड़ा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है ये कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे पतंगबाजी के लिए आए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, ये यहाँ से देख सकते हैं ये पौधा हमारी छत पे, इसके पत्ते लहराते हुए देख रहे हैं आप, हल्की हल्की हवा है लेकिन बहुत ही प्यारी हवा है, बहुत मज़ेदार। तो मिलते हैं आपको फिर दोबारा एक दो दिन में, यहाँ से सनसेट नज़र नहीं आएगा, आप इस तरफ का व्यू देख लें, इस तरफ प्यारा है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।